हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, कोस थीटा इज इक्वल टू में ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर अपॉन में 2ab, और जब वेयर ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट नंबर, मतलब ए और बी दो डिफरेंट नंबर होने चाहिए, सच दैट ए बी इज ग्रेटर देन जीरो, और ताकि ए और बी को जब मल्टीप्लाई करें तो वो ग्रेटर देन जीरो भी रहना चाहिए। मतलब देखो यहाँ से पहले कंडीशन को देखते हैं। देखो ए और जो बी है ये दोनों नंबर अलग अलग होने चाहिए, ये है, और ए बी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो मतलब वो कंडीशन कब बन सकती है इसमें, देखो अगर ए को मैं 1 ले लूँ और बी को भी 1 ले लूँ फिर तो वो सेम नंबर हो जाएंगे, ये कंडीशन नहीं हो सकती, उसने बोल दिया डिस्टिंक्ट नंबर होने चाहिए। तो एक 1 ले लिया और एक मैंने बी 2 ले लिया मान लो, ठीक है, तो 2 × 1 2 ग्रेटर देन 0 है। अब मान लो आपके मन में आ रहा होगा नहीं बी को 0 ले लेते, अगर बी को 0 ले लेता तो 1 × 0 0 जाती, तो ये ग्रेटर देन 0 तो ना रहता, समझ लो, तो बी को 0 भी नहीं ले सकते। तो यही कंडीशन बनती है, एक को 1 ले लो एक को 2 ले लो, दो डिफरेंट नंबर भी हो गए, इनका मल्टीप्लाई करके ग्रेटर देन 0 भी आ रहा है, ठीक है। 1 यहाँ नहीं ले सकता था क्योंकि दोनों सेम हो जाते हैं, क्योंकि उसने बोला है दोनों डिस्टिंक्ट नंबर होने चाहिए। अब देखो कहानी को समझो, देखो जो कोस थीटा होता है, कोस थीटा की जो वैल्यू होती है वो चलती है हमारे पास 0 और 1 के बीच में, क्योंकि आपको पता है कॉस 0 1 होता है, फिर हमारे पास 30 45 60 90 ये सब चलते हैं, ठीक है ना। तो कॉस 90 जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, 0 होता है, और जो कॉस 0 होता है वो 1 होता है, मतलब क्या है, 0 से 1 के बीच में ही लाई करती है चीज, ठीक है, तो मतलब इससे ज़्यादा तो आंसर नहीं आ सकता, ठीक। अब देखो हमें यही देखना है कि ये जो नंबर है हमारे पास, यहाँ पर कुछ भी ये वैल्यूज पुट करेंगे ए और बी की, तो ये नंबर जो है हमारे पास 0 या 1 के बीच में आना चाहिए, ठीक है ना, कॉस थीटा के लिए यही मतलब हुआ, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू लिखा हुआ, तो इक्वल टू का मतलब क्या है, 0 से 1 के बीच में ही नंबर आने चाहिए, ठीक है ना। तो देखो जैसे मान लो ये ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर अपॉन में 2ab है, ठीक है। अब जैसे हमने माना यहाँ पर ए को 1 माना और बी को 2 माना, यहाँ पुट करते हैं वैल्यू, ए को 1 का स्क्वेयर प्लस में बी को 2 माना तो 2 का स्क्वेयर, 2 × 1 × 2 ये बनेगा। तो देखो 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो ये आ गया 5/4, 5/4 है, तो इसको देखते हैं हम 0 या 1 के बीच में लाई करता है या नहीं। देखो 5 ये 4, 4 × 1 = 4, 1 × 0 पॉइंट लगेगा, 4 × 2 = 8, फिर 2 × 0 4 × 5 = 20, ठीक है, तो 1.25 आ रहा है। 1.25 जो है ये तो ग्रेटर हो गया किससे, 1 से, या नहीं, जबकि हम क्या कह रहे थे 0 से 1 के बीच में ही आना चाहिए, तो यानी कि ये तो सिस्टम नहीं बैठता फिर इसके अकॉर्डिंग, ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो उसने नंबर बोले थे कि ए और बी दोनों अलग अलग होने चाहिए और ए बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर जब हमने वैल्यूज पुट करी तो ये 0 से 1 के बीच में तो वैल्यू नहीं आई, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई। तो स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, क्योंकि 0 से 1 के बीच में वैल्यूज नहीं आई। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर वो ए और बी को क्या कह देता कि सेम नंबर है, ए और बी जो हमारे सेम नंबर है, तो डिस्टिंक्ट नंबर बोले उसने, अगर वो बोल देता सेम है, तो देखो ए को भी 1 ले लेते हम और बी को भी 1 ले लेते, तो ए इंटू में बी ग्रेटर देन 0 तो हो ही जाता ए बी, क्योंकि ये 1 आता मल्टीप्लाई करके 1 × 1 = 1, तो ये ग्रेटर देन 0 तो बन ही रहा था। लेकिन ये दोनों सेम होते अगर, फिर ये बात बन जाती, देखो कैसे, देखो ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर अपॉन में 2ab है, तो ए स्क्वेयर भी 1 है, तो यानी कि 1 का स्क्वेयर 1 होता है, प्लस में बी भी कितना है 1, 1 का स्क्वेयर 1, और 2 × 1 × 1, तो 1² 1 1² 1, और ये मल्टीप्लाई करके 2 ही आएगा, ठीक है, तो ये आ गया 2/2 विच इज 1, समझ रहे हो बात को। तो ये 1 मतलब लाई कर रहा है ना, 0 से 1 के बीच में ही आ रहा है, 0 हो सकती है या 1 हो सकती है वैल्यू, या उनके बीच की वैल्यू हो सकती है, तो ये 1 तो आ ही रहा है, समझ रहे हो, तो यानी कि कोस थीटा इक्वल टू यहाँ 1 हो सकता है, लेकिन कोस थीटा इक्वल टू में 1.25 नहीं हो सकता था, ठीक है, और वो भी क्योंकि उसने कंडीशन ही बोली थी ए और बी अलग अलग नंबर है, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर ये कहानी बनती थी, तो उसमें तो फिर आंसर नहीं आया हमारा, तो यानी कि ये फॉल्स है। लेकिन जो मैंने आपको बता दिया कि ये हो कब सकता था इक्वल इसके, कि अगर यहाँ पर वो बोलता ए और बी आर द सेम नंबर्स, तो अगर सेम नंबर होते तो 1 और 1 ले लिया हमने, मल्टीप्लाई करके देखा तो ग्रेटर देन 0 भी बन रहा था, फिर उसके बाद यहाँ वैल्यूज पुट करी तो कोस थीटा 1 के इक्वल आता है, समझ पा रहे हो ये चीज़, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पर बोलता कि सेम है, क्योंकि पेपर में आ सकता है कि अगर सेम वाला होता तो फिर ये हो सकती है ट्रू, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसने बोलता था डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, तो फिर ये कहानी फॉल्स हो जाएगी। क्लियर है, समझ गए हो, ओके जी, थैंक यू।